आज हम देखने वाले हम HTML यूज करके अपने टेक्स्ट को अंडरलाइन कैसे लगा सकते हैं। उसके लिए हम एक तो यू टैग का यूज कर सकते हैं या फिर हम INS टैग का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने VS Code को ओपन करते हैं एंड एक न्यू फाइल को क्रिएट करते हैं, उसको सेव कर लेते हैं। अभी यहाँ पे कोड चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे HTML:5 लिख के उसको एंटर करते हैं। तो हमें जो भी वेब पेज में डिस्प्ले करना है वो हम यहाँ पे बॉडी सेक्शन में लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ लिख लेती हूँ, आपको जो भी टेक्स्ट आपके वेब पेज में चाहिए आप उसे लिख लीजिए एंड इसको हम अभी सेव कर लेते हैं और हम एक बार इसका रिजल्ट देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने जो भी बॉडी सेक्शन में लिखा था वो यहाँ पे आ चुका है। अब हमें क्या करना है, हमारे टेक्स्ट को अंडरलाइन लगानी है। तो हमने यहाँ पे हेलो एवरीवन लिखा है, उसमें हम एवरीवन के नीचे अंडरलाइन लगाते हैं। तो उसके लिए हमें यू टैग का यूज करना है। तो हमें जिस भी टेक्स्ट को अंडरलाइन लगाने हैं उससे पहले हमें एक ओपनिंग यू टैग लिखना है और उस टेक्स्ट के बाद हमें एक क्लोजिंग यू टैग को लिखना है। तो मैं यहाँ पे एक ओपनिंग यू टैग को लिख लेती हूँ और एवरीवन के बाद पे एक क्लोजिंग यू टैग को लिख लेते हैं हम। और अभी हम इसको सेव कर लेते हैं और इसका एक बार हम रिजल्ट चेक कर लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं एवरीवन के नीचे अंडरलाइन आ चुके हैं। अब मैंने अभी बताया कि आप यू टैग का भी यूज करते हैं और उसके बदले में आप INS टैग का भी यूज कर सकते हैं। तो हम अभी ब्राइट जोन के नीचे भी हमें अंडरलाइन लगानी है, तो हम यहाँ पे एक INS टैग का यूज करते हैं। INS मतलब इंसर्टेड टेक्स्ट। तो मैं यहाँ पे आपको INS टैग का यूज करके दिखाती हूँ। हम ब्राइट जोन के पहले एक ओपनिंग INS टैग लिख लेते हैं और ब्राइट जोन के बाद में क्लोजिंग INS टैग यूज कर लेते हैं। तो हम अभी इसको सेव कर लेते हैं और इसका रिजल्ट देख लेते हैं, रिफ्रेश। आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्राइट जोन के नीचे भी एक अंडरलाइन आ चुके हैं। इस तरह अगर आपको HTML यूज करके अपने वेब पेज में किसी भी टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन लगाने हो या फिर आपको कोई भी टेक्स्ट अंडरलाइन के साथ लिखना हो तो आप HTML में यू टैग या फिर INS टैग का यूज करके उसको अंडरलाइन लगा सकते।